क्या है ये? अब कोई एक्टिंग कर रहा है अरूप, क्या तुम्हारा विदा रिजेक्ट हो गया? अरूप तुम्हारा विदा रिजेक्ट हो गया भाई। मेरा ऐसे क्यों नहीं लगा होगा यार? हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। और यार हमारा आखिरी दिन है कल। जिन लोगों को नहीं पता कि हम लोग तुर्की का वीजा लगवाने आए थे कराची में, तो अब हम लोग को जो है वापस जाना लाहौर। अभी बस 2 घंटे तक हमारी फ्लाइट है। पूछा मैंने कुछ, नाश्ता वास्ता मिल गया था हमारे पास, जो है पराठा है, स्लाइस है, अंडा। अरूप तुमने मेरे अंडे की बाइट ले ली यार? नहीं नहीं, मैंने अपना अंडा खाया। चल झूठा। अरूप मेरे अंडे की, मैंने अच्छा अरे कल वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने डक्की भाई व्लॉग एंजॉय नहीं किया हुआ तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ। हमारा वीजा लगा है या नहीं लगा, हमारा पासपोर्ट रिसीव हो जाएगा, फिर देखते हैं वीजा लगा कि नहीं। अगर रिजेक्ट हो जाएगा हमारी सारी मेहनत आया, तुम्हारी वजह से रिजेक्ट होगा। अगर होगा ड्रग्स स्मगलर जैसी तुमने फोटो खिंचवा ली थी, लेकिन हमें पासपोर्ट मिल जाएगा लाहौर में, तो देखते हैं क्या बनता है भाई। नाश्ता करते हैं, हमारी पैकिंग ऑलरेडी हो गई है, ठीक है फिर निकलते हैं भाई। तो दुआ करो वीजा मिल जाए यार, चल देखते हैं वीजा लगा होगा कि रिजेक्टेड होगा भाई। तो प्लेन में बैठ गए हैं, तुम लोग को जो है ना सीधा लाहौर में मिलते हैं भाई। तो अभी जो है ना सुबह का टाइम है, ठीक है, सारे यूनिवर्सिटी वगैरह गए हुए हैं, कॉलेज वाले स्कूल वूल गए हुए हैं, तो मैं किसी को कह नहीं सकता घर में कि हमें आकर पिक कर ले, तो इसलिए जो है ना उबर करवा लेते हैं। उबर आ गई, उबर आ गई, उबर आ गई, उबर आ गई, उबर आ गई। परा मार। फाइनली घर पहुंच गए हैं। आए मेरा फॉर्च्यूनर, गंदी हो गई यार, इसको तो किसी ने लाया भी नहीं है। आए हाय मेरा बच्चा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, इसको जो है साफ सूफ करते हैं। बेचारी जो है मट्टी में परेशान हो रही है बारिश में। अबे यार कबूतर टट्टी भी कर गया इसके ऊपर, सही खेल गया वैन। और ये है हमारी ऑडी जो 2 दिन की बाहर खड़ी हुई है कवर करके। बड़ा मिस किया तुम्हें मैंने यार। हाय हाय। तो तुम लोग को पता है कि ऑडी जो है हमेशा घर के गैराज के अंदर खड़ी जाती है, लेकिन ये 2 दिन से बाहर इसलिए है क्योंकि घर के अंदर जो है ये शेड लग रहा है, ठीक है। अब शेड लग गया है, ऑडी हमारी जो है छांव के अंदर खड़ी हुआ करेगी, गर्मी वगैरह उसको काफी लग रही, बेचारी जो है ना पसीने में भीग जाती। छोटी बच्ची हो क्या? लेकिन अब जो है ये शेड वगैरह लग गया तो वो जो है ना छांव में पड़ी रहेगी गाड़ी हमारी। तो ऑडी जो है ना जब हमारी धूप में खड़ी रहती है तो बेचारी को पसीना बहुत आता था, ठीक है। अब हमने सिर्फ अपना तो नहीं देखना होता ना यार, बाकियों को भी देखना होता है। गाड़ी बेचारी जो है बाहर पसीने में भीग रही होती है ना, उस बेचारी के पास एसी है। हम लोगों ने जो है ना ये शेड लगा दी, अब जो है ईट्रॉन हमारी जो है सुकून से छांव के अंदर जो है ना खड़ी रह सकती है सारा दिन। 1 hour later तो अभी अभी जो है ना पासपोर्ट वाले की कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि भाई घर पे उसने पहुंचा दिया पासपोर्ट, नीचे खड़ा है। ओके बहुत बहुत शुक्रिया सर। आए 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 आए, पासपोर्ट आ गया भाई। मैं खोल रहा हूँ भाई। आए 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 आए, ये पहले मैं अपना देखता हूँ। मैं यहाँ पे तो डिटेल वगैरह छुपा रहा हूँ, लेकिन हमारा जो है वीजा लग चुका है तुरती ता। मेरा भी खोलो, तुम्हारा खोल लेते हैं भाई, रूप का पासपोर्ट है भाई। ओए ओए ओए, रूप तुम्हारा वीजा ही नहीं लगा, अल्लाह की कसम तुम्हारा वो स्टिकर नहीं लगा जो मेरे पास लगा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा हमारा वीजा एक साथ आता है। क्या ये अब कोई एक्टिंग कर रहा है? रूप क्या तुम्हारा वीजा रिजेक्ट हो गया? रूप तुम्हारा वीजा रिजेक्ट हो गया भाई, रिजेक्शन लेटर तुम्हारे इस पे स्टिकर नहीं लगा हुआ, लेकिन तुम्हें एक रिजेक्शन लेटर मिला है, तुम्हारा वीजा रिजेक्ट हो गया भाई। तो मैं भी तो 10 मिनट तुम्हारे साथ घूम के आई थी। रिजेक्ट हो गया रूप तुम्हारा वीजा। लेकिन क्यों? लिखा हुआ लेटर पे पूरा उन्होंने कि तुम्हारा वीजा जो है रिजेक्ट हो गया, स्टिकर भी लगा हुआ भाई। जो मेरे पास स्टिकर लगा हुआ था वो तुम्हारे पास ही लगा हुआ। ओह माय गॉड, 6 महीने टर्की जाना था। मेरा वीजा आ चुका है, ठीक है, अरूप का सक्सेसफुली डिक्लाइन हो गया, रिजेक्ट हो गया। उन्होंने लेटर में लिखा है कि चल मेरा पुत्र छुट्टी कर। झूठा दिखाओ, झूठ बोल रहे हो ना? मिस हो गया ना, उन्होंने चेक करवा दिया तुम्हारा। मेरा इतना दिल था जाने का। अरूप रिजेक्ट करवा दिया, मैं क्या करूँ? वो कह रहे हैं औकात ही नहीं है तुम्हारी। लेटर के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो अरूप जतोई नाम की जो लड़की है इसकी औकात ही नहीं है तुर्की जाने की। बात सुनो सर, तुम भी नहीं जाओगे फिर इस तरह? तो तुम अकेले, बिल्कुल मजा नहीं आएगा मेरे बगैर। अरूप मैं अकेले श्रीलंका भी गया था और क्या मजा आया था भाई, मजा आ गया श्रीलंका में यार अकेले। मेरा ऐसे क्यों नहीं लगा होगा यार? भाई
ये बस एक रिसीविंग लेटर था, ठीक है, जो वैसे रिसीविंग लेटर था। मैंने कहा तू शुगर मिला ही लगा ले तुम्हारे साथ यार, कुछ नहीं, वो बस रिसीविंग लेटर था कि मेरे हमारे बिहाफ पे एक बंदा रिसीव करेगा पासपोर्ट। अरे कोई बड़ी बात नहीं थी, तुर्की का वीजा है, खुश हो रही हो, बच्चे बच्चे का लग जाता है। लेकिन मैं खुश इसलिए हुई कि तुमने मुझे डरा दिया था। भाई वीजा लग चुके हैं हम सारों का, अब बस डेट हमने डिसाइड करनी है, देखते हैं कब जाना है। सही है, अभी तो कुछ काम शाम फंसे हुए हैं, ठीक है, वो फारिग करके फिर जो है ना हम लोग दफा हो जाएंगे तुर्की। लेकिन हम लोग यार तुर्की जा रहे हैं और यार वहाँ पे मैंने सुना कि बड़े प्यारे प्यारे गोरे गोरे लड़के होते हैं, ठीक है, मैं अब इस तरह का मुंह लेके जाऊंगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा, वो मुझे समझेंगे पता नहीं क्या मांगने वाला आ गया यार। ओहो मेरे पास स्माइली एक चीज है, मैं तो ये वैसे मैं खुद भी यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं ये क्या ले आई हो भाई, पूरा फेशियल की दुकान का ले आई हो। बेसिकली ये दो होम्यो क्योर क्रीम्स हैं, हाँ। और साथ ही ग्लूपेटॉन है, इन दोनों को और इसको हम इसके साथ मिक्स करेंगे। इन दोनों को मिक्स करना है ना बस। हाँ मिक्स काम ही मुक गया, तो मैं भी लंबी करी जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे बटर नहीं होता है वो गार्लिक बटर ब्रेड खा रहा हूँ मैं। आप लोगों को वैसे भी दिखा देती हूँ, 2 days रिजल्ट गारंटेड। साथ डब्बे तो दोनों खाली हो गए हैं, अब ये डालने अंदर। ये है ग्लूपेटॉन, थाईलैंड इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी है। अच्छा तुम्हें पता है तुम्हारी एक्नी भी चली जाएगी इफ यू हैव एनी। अब क्या करना है, इसको मिक्स कर देना। हाँ नहीं बहुत है। हाँ छोटा सा तुम्हारा फेस है बस। हाँ तुम कब से यूज कर रही हो भाई? मुझे तो महीना हो गया। तुम मुझे क्यों नहीं बताया पहले? सुबह उठ के मुंह तुम धोते नहीं हो और तुम कह रहे हो तुम्हें क्रीम सजेस्ट करूँ। चिट्टा हो गया हूँ मैं, बाकी उनको बाहर लाइट में दिखाओ लोगों को जाके। इसको मैं बाकी बॉडी पे लगा लूं? हाँ हाँ बाकी बॉडी के लिए, बल्कि काफी सारे लोग तो बाकी बॉडी के लिए लेते हैं। कम लगाओ साथ इस पे भी, डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह भी सजेस्ट करते हैं। ओए होए 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 होए, तो यार आपका भाई क्रीमे श्रीमे लगा के जो है ना रेडी हो गया तुर्की में। तो ये प्रोडक्ट जो है मैंने इस्तेमाल किया है, मजा आ गया, बड़ा अच्छा जो है ना ये वर्क करती है। दराज पे भी अवेलेबल है, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो तुम लोग जाना अपने भी बाय करो और ये काफी सस्ती अफोर्डेबल मिल जाएगी तुम लोग को। और लोगों को ये भी बताओ कि ये डील चल रही है दो होम्यो क्योर क्रीम्स के साथ एक ग्लू पेट की। बस ठीक है, मंगवा लो मेरे लिए भी और तुम लोग भी अपने लिए मंगवा लो भाई। अभी अभी आपके भाई को खबर मिली है कि एक इवेंट हो रहा है दुबई में और वहाँ पे जो है मुझे जाना है अभी के अभी पैकिंग करके। अभी जाओगे? हाँ तो फिर मैं तो नहीं भी जा सकती। अरे तुमसे पूछा किसी ने? हम लोग अकेले जा रहे हैं भाई, सिर्फ मुझे जो है ना जाना सिर्फ एक दो दिन के लिए, उसमें वहाँ पे इवेंट है तो उन्होंने कह डी भाई आप आओ और हमारा इवेंट जो है ना थोड़ा शोशा करो ब्लॉगिंग के अंदर, तो हमें जो है उसकी पैकिंग करनी है क्योंकि हमारी बस कुछ घंटे के अंदर ही फ्लाइट है। अरूप यार बहुत अर्जेंट फ्लाइट है, सेट जाने के पूरा कपड़े सेट करती हूँ। अरूप मैंने सिर्फ 2 दिन के लिए जाना है, ठीक है, तुमने पूरा टच के आए 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 बैग ले जी। तुम तो कह रहे थे 2 दिन के लिए, इतना डब्बा बैग लेके जा रहे हो? अरे मैं वहाँ पे तुम्हारे लिए मिस्ट्री बॉक्स तैयार करके लाऊंगा ना, जैसा तुम मेरे लिए तैयार करके लाई थी, समझा करो ना यार। तुम तुम कितने फजूल मैले फौजियों वाले ट्राउजर डाल रही हो यार, दो इधर ये। हाँ एवी प्राओ जी, एवी प्राओ, एवी प्राओ, ओए तू जो है ना सेट डाल देते भाई। ओए चलो जी पैकिंग हो गई है, ओए चलो। इसके अलावा हम लोग रख लेते हैं अपना मोबाइल का चार्जर। ओए ओए ये भी ले जाओ। ये क्या है? ओए बत्तख यहीं पे रहेगी। और ये मैं जहाज में सोने के लिए लेके जा रहा हूँ भाई। बाकी लैपटॉप में जो है ना अभी मैंने काम शाम करना है, तो इसको मैं अभी पैक नहीं कर रहा, बिल्कुल निकलने से पहले जो है ना हम लोग पैक कर लेंगे। यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, बस हमारी थोड़ी देर के अंदर जो है दुबई की फ्लाइट है। आई नो कि तुम लोग भी सोच रहे होगे कि यार डक्की भाई कभी कहाँ उठ के चले जाते हो, कभी कहाँ उठ के चले जाते हो। यार आपका भाई बिजी बंदा है यार, वेला नहीं है तुम लोग की तरह, आवारा गर्दी करने निकल जाते हो बाइक पे अपने दोस्तों के साथ, कोई काम शाम तुम लोग भी किया करो ना यार। एनीवे लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की भाई व्लॉग को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल। ओका फिर।